मान सिटी सेंटर में आग लगने के बाद सख्ती। नगर परिषद झुंझुनू ने जारी किए आदेश। 15 दिन में फायर सेफ्टी उपकरण स्थापित करने के आदेश। फायर सेफ्टी उपकरण न होने पर 90 बिल्डिंगों को नोटिस। यदि 15 दिन में नियमानुसार नहीं स्थापित हुए उपकरण तो नगर परिषद झुंझुनू करेगी सीज की कार्यवाही। नगर परिषद आयुक्त अनीता खीचड़ ने जारी किए आदेश। झुंझुनू के मंडवा रोड पर पिछले दिनों मान सिटी सेंटर में लगी आग के बाद नगर परिषद झुंझुनू भी सख्त हो गई है। नगर परिषद झुंझुनू ने शहर में ऐसी 90 बिल्डिंगों को नोटिस जारी कर 15 दिन में फायर सेफ्टी उपकरण स्थापित करने के लिए कहा है। नगर परिषद आयुक्त अनीता खीचड़ ने बताया कि पहले भी कई बार बिल्डिंगों का सर्वे करवाकर उनके मालिकों को नोटिस दिया गया था, लेकिन अब अंतिम 15 दिन का नोटिस दिया गया है। वहीं सार्वजनिक अपील की है कट वहीं सार्वजनिक अपील भी की गई है कि यदि 15 दिन में बिल्डिंग मालिक निर्धारित मानदंडों के अनुसार फायर सिस्टम अपनी बिल्डिंग में नहीं लगाते हैं तो सीज की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा आगजनी के मामलों पर त्वरित कार्यवाही हो, इसके लिए अब इसे सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। इधर फायर सेफ्टी एक्सपर्ट मनोज सिंह TKN ने बताया कि उनके द्वारा भी लगातार आमजन को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक्ट के तहत सभी बिल्डिंगों के लिए अलग अलग मापदंड और उपकरण बनाए गए। बिल्डिंग के मालिक इस एक्ट में टेबल नंबर 7 पढ़कर न केवल अपनी बिल्डिंग के हिसाब से फायर सेफ्टी उपकरण लगा सकते हैं बल्कि अपने ही बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों को प्रशिक्षण दिला सकते हैं ताकि आग लगने पर किसी फायर ब्रिगेड का इंतजार करने की बजाय तुरंत उस पर काबू पाने के प्रयास शुरू हो सकें। अभी जैसे आप सब लोगों को विदित है कि नगर परिषद क्षेत्र में एक सिटी कॉम्प्लेक्स में एक आग का प्रकरण हुआ था, उसमें हमने चेक करवाया तो फायर से संबंधित सेफ्टी उपकरण है वो लगे हुए नहीं थे। उसके पश्चात नगर परिषद की टीम के द्वारा उसको नोटिस जारी किया गया, साथ साथ ही शहर के विभिन्न जो कॉम्प्लेक्स हैं, शिक्षण संस्थाएँ हैं, उनका सर्वे करवा कर सभी को नोटिस जारी किया गया। साथ ही नगर परिषद द्वारा एक आम सूचना और प्रेस नोट जारी करके भवन मालिकों को सूचित किया गया है कि 15 दिन के अंदर अपने जो फायर सेफ्टी से जो उपकरण संबंधित जो उपकरण है वो वहाँ स्थापित कर लें, वरना उसके बाद में नगर परिषद है वो नगरास्ता नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत इनको सीजर करने की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हम इसमें आमजन को किसी प्रकार की हानि नहीं हो और आग आगजन की जो समस्या आ रही है उनसे बचने के लिए ये कदम उठाया गया है। भवन मालिकों को जो अपने फायर से संबंधित इक्विपमेंट है वो लगवाने होंगे, जैसे फायर होज ड्रिल है, फायर अलार्म सिस्टम है, MCT हुटर है, जो डिफरेंट जो फायर से संबंधित जो उपकरण है वो वहाँ लगाने होंगे और उसके बाद में जब वो अपने उपकरण वहाँ स्थापित कर लें अपने कॉम्प्लेक्स या अपने जो भी अपना भवन मालिक है अपने उसमें इंस्टीट्यूट में, उसके बाद में उनको फायर NOC के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और अगर वो पैरामीटर्स पूरा करते हैं तो नगर परिषद द्वारा उनको फायर NOC दी जाएगी। क्षेत्र की टीम अभी लगी रखी है, जो अभी तक 90 भवन मालिकों को हमने नोटिस दिए हैं चिन्हित करके कि इस तरीके के आगजन की घटनाओं से बचा जाए और एक सख्ती से कार्रवाई करते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी और सबसे फायर सेफ्टी के उपकरण लगवाए जाएंगे। फायर सेफ्टी के लिए NOC इसलिए ज़रूरी है सर, क्योंकि जो बहुमंजिला इमारतें आज बनी हुई हैं उसमें जनधन की सुरक्षा के लिए और भवनों के पैरामीटर जो मानक है उनको ध्यान में रखते हुए फायर NOC जरूरी की गई है और ये तब अप्लाई अपन कर सकते हैं ताकि बिल्डिंग में जो मानक है NBC 2016 उसके अकॉर्डिंग अपन ने फायर का पुख्ता इंतजाम करवाया है या इंस्टॉलेशन करवाया हुआ है। ये इंस्टॉलेशन करवाने के बाद में आप SSO ID पे जाके उसका आवेदन कर सकते हैं, उसमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड हैं वो कर सकते हैं। तत्पश्चात जो फायर ऑफिसर हैं वो इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद में जो फायर NOC की फीस है वो जमा करवा के आप NOC प्राप्त कर सकते हैं। सिंगल के लिए अपन एक बेसिक पंप लगा के होजरील में डाउन कमर के माध्यम से या वेटराइजर के माध्यम से उसको अपने सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो बेसिक सिस्टम है। और हाई राइज बिल्डिंग है 15 मीटर से ऊपर है, उसमें आपको स्मोक डिटेक्टर, अलार्म सिस्टम, वेटराइजर एंड पंप हाउस प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन कराया गया है, जो टेबल नंबर 7 में NBC कोड 2016 में दिया हुआ है। उसकी अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो अपन से बात कर सकते हैं या उसके NBC 2016 खोल के भी आप उसमें PDF है 1200 पेज की, उसमें टेबल नंबर 7 को पढ़ सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। सिंगल फ्लोर की अगर अपन बात करें तो ये आपका 50 से 60 हज़ार रुपये में खर्चा हो जाता है। अगर 4 से 5 फ्लोर बिल्डिंग है 15 मीटर से कम है एज पर अकॉर्डिंग तो उसका 1000 या 2000 स्क्वायर फीट एरिया तो 2 से 1.5 लाख रुपये खर्चा हो जाता है। अगर हाई राइज बिल्डिंग है तो 2.5 से 3 लाख भी हो सकता है, 4 लाख भी हो सकता है। उसका एरिया एक्चुअल में एरिया के अकॉर्डिंग है। फायर सेफ्टी उपकरण लगाने के सबसे बड़े फायदे ये हैं कि जब भी अगर कोई घटना घटती है तो एन स्पॉट में उसका उपयोग करके आग को वहीं बुझा सकते हैं। अपन फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे 10 मिनट 5 मिनट आने में लगेगा, उससे पहले अपना अगर सिस्टम बिल्डिंग में लगा हुआ है तो जो ट्रेंड पर्सन है
वो उसको चालू करके तुरंत आग को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी जरूरी है कि जो सिस्टम अपन डेवलप करवाते हैं उसकी प्रॉपर वे में ट्रेनिंग करें, उसकी जानकारी भी हर वहाँ बिल्डिंग में जो आने वाले लोग हैं, स्टाफ, कर्मचारी या विद्यार्थी जो भी हैं, उनको उसकी जानकारी होनी चाहिए।